हेलो गाइस मेरा नाम महेंद्र सिंह है मैं आज आपके सामने एन एस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं और हम जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें एन एस फेडरेशन की लैब भी इंप्लीमेंट करेंगे मैंने कुछ लास्ट वीडियोस मैंने बनाकर यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड की थी और मुझे कुछ फीडबैक उसमें से मिला था तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यूट्यूब चैनल पर जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और अपलोड करने वाला हूँ उसमें उन चीज़ों को मैं ऐड ऑन करूँगा और जिससे कि यूज़र्स के लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एन फेडरेशन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है आप अपने होम लैब में या फिर प्रोडक्शन वायरमेंट में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो मैंने एक पीपीटी डिज़ाइन की है जो कि कंसॉलिडेड पीपीटी है जिससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा सा इजी रहेगा और आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो एन एस एक्स टी फेडरेशन जो हम लोग करेंगे वो बेसिकली थ्री डॉट वन डॉट जीरो वर्जन पर करेंगे अभी जो वर्ज़न जो लॉन्च हुआ है वी एम वेयर की तरफ से थ्री डॉट वन डॉट वन लॉन्च हुआ है बट हम उसका एन माइनस वन वर्जन के अकॉर्डिंगली थ्री डॉट वन डॉट ज़ीरो को यूज़ करेंगे फेडरेशन इन्वायरमेंट ये बेसिकली थ्री डॉट जीरो से ही इंट्रोड्यूस हुआ था और कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये एन एस एक्स टी में ये फेडरेशन है क्या तो जैसे कि मैंने अपनी इस पीपीटी में थोड़ा सा मेंशन किया है जिन लोगों को एन एस एक्स वी के ऊपर एक्सपीरियंस है और जिन लोगों ने एन एस एक्स वी के अंदर क्रॉस वी सेंटर बेस्ड एन एस एक्स कम्यूनिकेशन कराई है जिसमें हम लोग आ, कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी साइट पर सिंक हो जाते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी साइट उस कॉम्पोनेंट को वो देख पाती हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल होते हैं बट एन एस एक्स वी में कुछ लिमिटेशन है जो कि एन एस एक्स टी के अंदर उस लिमिटेशन को उसने क्रॉस किया और उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स एड ऑन किए हैं तो जैसे कि एन एस एक्स टी फेडरेशन की बात करें तो एन एस एक्स टी फेडरेशन इनेबल कस्टमर टू स्ट्रैच देयर एन एस एक्स टी डिप्लॉयमेंट ओवर ए मल्टीपल साइट्स और टूवर्ड्स द पब्लिक क्लाउड बट स्टिल कीपिंग वन सिंगल पैन ऑफ मैनेजमेंट तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मैनेजमेंट होगा वो सेंट्रलाइज होगा और आपका जो इन्वायरमेंट स्ट्रेच में होगा जिसमें आपके लॉजिकल स्विचेस जिसको हम सेगमेंट्स के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं आपके टीयर जीरो टीयर वन भी आपके मल्टीपल लोकेशंस के बीच में होंगे बट वो स्ट्रेच मोड में होंगे तो मैंने इसमें सेकेंड पैराग्राफ में मैंशन किया विद द एन एस एक्स फॉर वीयर एनएसएक्स वी दिस फीचर वॉज ऑल्सो अवेलेबल एंड कॉल्ड द क्रॉस वी सेंटर यू टू कुड क्रिएट ए यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट विच दैन वेयर डिस्ट्रीब्यूट ऑल द कनेक्टेड एन एस एक्स मैनेजर द क्रॉस वी सेंटर फीचर ऑफ एन एस एक्स वी हैड इज सम लिमिटेशन विच हैज बीन ओवरकम विद द एन एस एक्स टी फेडरेशन जो कि एनएसएक्स टी के अंदर फीचर्स आते हैं जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँगा एन एस एक्स वी सिर्फ बीस पेयर इन्वायरमेंट के लिए चलता है तो एन एस एक्स टी आपका किसी भी हाइपरवाइजर के ऊपर चल सकता है एन एस एक्स टी इन्वायरमेंट आपका किसी भी क्लाउड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी एंड टू एंड अप्लीकेशन के साथ भी आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो देखा जाए तो एन एस एक्स टी इन्वायरमेंट एन एस एक्स वी से काफ़ी ज्यादा रिच है फीचर्स के मामले में और आने वाले टाइम के अंदर भी ये काफ़ी ज्यादा और एडवांस फीचर्स में एड ऑन होंगे तो लास्ट लाइन में लिखा है यू कुड से दैट एन एस एक्स टी फेडरेशन इज द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ मल्टी लोकेशन एस डी एन फॉर वी एम वेयर बिल्कुल सही बोला गया क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये एस डी एन टेक्नोलॉजी के अंदर ये मल्टी लोकेशन के लिए साथ काम करेगा तो ये मल्टी लोकेशन कैसे हो सकती हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इसकी टपोलॉजी को समझते हैं फिर हम प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट को समझेंगे कैसे हम इस लैब को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरी नेक्स्ट पीपीटी के अंदर देखते हैं कि एन एस फेडरेशन की टपोलॉजी क्या है तो यहाँ टपोलॉजी में आपको यहाँ देखने को मिलेगा लोकेशन वन लोकेशन टू और लोकेशन थ्री तो यहाँ पे थ्री लोकेशंस अवेलेबल हैं और ये लोकेशन कह सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं तो तीन डिफरेंट साइट्स हो गई और ये साइट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको वी सेंटर नज़र आएंगे जो कि वी सेंटर कंप्यूटर वी सेंटर कंप्यूटर और वी सेंटर कंप्यूटर होगा और अलॉन्ग विद उसके साथ उसके हाइप्रोवाइजर्स होंगे या तो ई एस एक्स आई होगा या फिर आपका के वी एम होगा तो ये तीनों साइट्स पर आपको ये इंफॉर्मेशन नज़र आएगी उसके बाद हर साइट के ऊपर एक एल एम होता है एल एम को शॉर्टकट नाम से बोला जाता है बट इसका नाम होता है लोकल मैनेजर जो लोकल मैनेजर होगा वो हर साइट पर होगा सभी साइट के ऊपर अपने खुद के लोकल मैनेजर होंगे तो इस इन्वायरमेंट टपोलॉजी में तीन तीन लोकल मैनेजर यहाँ पे पिक्चर में शो किए गए हैं तीन लोकल मैनेजर यहाँ पे हैं तीन लोकल मैनेजर साइट टू पे हैं या इसको लोकेशन टू बोलेंगे और लोकेशन थ्री पे भी तीन लोकल मैनेजर हैं लोकल मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो लोकल जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लाइक like जैसे सेगमेंट्स बनाते हैं या फिर हम लोग कोई सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाते हैं या फिर हम टीयर जीरो या टीयर वन बनाएंगे तो वो सिर्फ लोकल साइट्स के लिए ही यूजफुल होगा वो अदर साइट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर आप उन ऑब्जेक्ट्स को एज ए ग्लोबल बनाना चाहते हो या फिर उसको एक काइंड kind ऑफ of ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल बनाना चाहते हो तो देन वो तीनों साइड्स के ऊपर वो या फिर दोनों साइड्स के ऊपर जैसा आप चाहें उसके अकॉर्डिंगली उसको स्ट्रेच कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली तो इन लोकल मैनेजर्स के ऊपर रखा जाता है एक ग्लोबल मैनेजर जो कि ग्लोबल मैनेजर का काम क्या होता है कि इस पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाना और उन ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पुश करता है जितने भी लोकल मैनेजर्स हमारे होंगे तो यहाँ पर हमने लोकेशन ए के ऊपर एक ग्लोबल मैनेजर का एक क्लस्टर बनाया जिसका नाम है एक्टिव क्लस्टर और लोकेशन टू के ऊपर हमने एक बनाया स्टैंड बाई क्लस्टर जो कि ये भी एक ग्लोबल मैनेजर होगा अगर फुली साइट लोकेशन एक कंप्लीटली डाउन हो जाती है जिसमें आपके वी सेंटर आपके हाइपरवाइज़र अगर हाइपरवाइज़र डाउन हो गए तो आपकी सीधी सी बात है कि आपके लोकल मैनेजर और आपका ग्लोबल मैनेजर भी इनएक्सेसिबल हो जाएगा उस कंडीशन में आपका जो स्टैंड बाय ग्लोबल मैनेजर है उसको हम एज ए एक्टिव बनाएंगे और उसके बाद हम अपनी पॉलिसीज़ को या फिर राउटिंग को जो भी फीचर्स आप यूज़ कर रहे थे उनको आप यहाँ से एक्सेस करके सबके अंदर वो इम्प्लीमेंट ईजीली कर सकते हैं तो ये फीचर हमें ग्लोबल मैनेजर से मिलेगा तो ग्लोबल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाना और उनको सिंक करना हर लोकल मैनेजर के साथ हर साइट के साथ तो ये हमारा इन्वायरमेंट रहेगा जब भी इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाते हैं तो उसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन की जाती है कि कितने नंबर ऑफ़ वीएम्स क्रिएट होंगी सिर्फ मैनेजर्स के लिए तो इससे मैनेजर दो तरह के होंगे ग्लोबल मैनेजर और लोकल मैनेजर तो यहां पे एक लिखा गया six. Six का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिक्स आपकी रिजर्व वीएम हैं जो कि हम इसको ग्लोबल मैनेजर के नाम से भी कह सकते हैं थ्री वीएम ग्लोबल मैनेजर का एक क्लस्टर है और स्टैंड बाई के अंदर भी थ्री वीएम्स है जो ग्लोबल मैनेजर की हैं नंबर ऑफ साइट्स मल्टीप्लाई थ्री होगा फॉर एग्जाम्पल वेन यू टू फेडरेशन थ्री प्लस थ्री का मतलब मल्टीप्लाई थ्री तो तो का मतलब ये मतलब हुआ कि हम हर साइट के ऊपर तीन लोकल मैनेजर होंगे तो टोटल हमें कितने चाहिए एन एस एक्सटी मैनेजर फिफ्टीन एन एस एक्सटी मैनेजर की हमें रिक्वायरमेंट होगी इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इन्वायरमेंट को चलाने के लिए हमें फिफ्टीन एन मैनेजर होंगे जिसमें से सिक्स हमारे ग्लोबल मैनेजर होंगे और हर तीन का एक क्लस्टर बनेगा जो कि हम लोगों को इस टनोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे समझ आ रहा है अब इसकी जब डिप्लॉयमेंट की बारी आती है तो उसकी डिप्लॉयमेंट करने के लिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे कि आपको ये समझना आसान हो जाएगा ये मेरी होम लैब है जिसके अंदर मेरे पास तीन मशीनें हैं जिसमें से ई एस एक्स आइज़ सर्वर वन ई एस एक्साइज सर्वर नंबर टू और ई एस एक्स आइज़ सर्वर नंबर थ्री यहाँ पे डिज़ाइन रखा गया और इनके अगर आई पी एड्रेस देखेंगे वन सेवेंटी टू सिक्सटीन वन डॉट टू थ्री फोर टू थ्री फाइव और वन डॉट का टू थ्री 23. ये तीनों के तीनों हाइपरवाइजर्स की कनेक्टिविटी हमारे मेरे घर में रखा हुआ एक्सेसको का मैनेजेबल स्विच है और इसकी कनेक्टिविटी फिर एक आईएसपी जो कि मेरे घर का एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसके साथ इसको कनेक्ट किया गया और देन ये इंटरनेट पे कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे मिलती है अगर मैं इन हार्डवेयर्स की अगर बात करूँ सर्वर नंबर वन और सर्वर नंबर टू की बात करूँ तो इनकी कन्फिग्रेशन यहाँ मैंशन की है इंटल जियन सॉकेट सी पी यू हैं टू सी पी यूज़ हैं हर सिस्टम में वन ट्वेंटी एट जी बी रैम है टू नेक्स है और वन वन टी बी की हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं इन दोनों मशीन में तो सर्वर वन और सर्वर टू इनकी कन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट सेम है बट जब सर्वर थ्री की बात करेंगे तो ये एक आई सेवन मशीन है उसमें थर्टी टू जी बी रैम है और फाइव हंड्रेड जी बी की हार्ड ड्राइव है तो इसमें फाइव हंड्रेड जीबी की जो हार्ड ड्राइव हैं वो बेसिकली इसमें क्वांटिटी टू है नॉट ए सिंगल तो इसमें दो क्वान्टिटी की हमारी एस एस डी हार्ड ड्राइव है तो इसमें आ, हमें कुछ मशीन्स बनानी होंगी जो कि ये मशीन मैं पहले से ही क्रिएट कर चुका हूँ जिसमें सबसे पहली मेरी मशीन है अगर आप इसका एक आई पी देखेंगे वन सेवेंटी टू सिक्सटीन वन डॉट टू थ्री वन तो ये जो आई पी है और राउटर का आई पी और ई एस एक्स आई सर्वर के जो आई पी है ये इंफ्रा के लिए एक वी सेंटर सर्वर बनाया गया है जिसमें इस वी सेंटर के अंदर ये तीनों होस्ट कनेक्टेड होंगे और यहाँ से हम अपनी को वी मोशन करना चाहें किस होस्ट के ऊपर रखना चाहें या नहीं रखना चाहें वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो इनवायरमेंट बनेगा एनएसएक्स टी फेडरेशन टोटली नेस्टेड इनवायरमेंट होगा मतलब इन ई एस एक्स आई सर्वर्स के ऊपर हम अपनी नेस्टेड क्रिएट करेंगे लाइक like हम इसके ऊपर ई एस एक्स आई सर्वर वी सेंटर एनएसएक्स मैनेजर ग्लोबल मैनेजर सारे डिप्लॉय करेंगे तो इसके लिए हमें नेस्टेड इन्वायरमेंट के लिए हमें एक डेडिकेटली अलग से एक वी सेंटर सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम वी सेंटर सर्वर भी इसमें बनाएंगे कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल के अंदर करके देखेंगे तो नेस्टेड इन्वायरमेंट के लिए जो वी होंगी उन कौन कौन सी वी हैं जो कि मैंने सबसे पहले सर्वर नंबर थ्री में रखी हुई हैं डोमेन कंट्रोलर अगर इसका आप आई सीरीज़ देखेंगे टेन की सीरीज़ में है ओपन फाइलर ये बेसिकली एक स्टोरेज के लिए होता है अगर किसी को ओपन फाइलर की इंस्टॉलेशन समझनी और कन्फिगर करनी है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे और वीडियोस में जाकर आपको ओपन फाइलर की एक आ, थ्री वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं कंटिन्यूटी में तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं ओपन फाइलर की इंस्टॉलेशन कैसे होती है और कैसे कन्फिगर कर सकते हैं वो तमाम

होगा और उसमें जितने भी ई एस आई होंगे तो उनकी कम्युनिकेशन इस इथरनेट वन के ऊपर जो आई दिया गया उससे कम्युनिकेट करेगा और एक जंप सर्वर होगा जिसके थ्रू हम लोग इसे एक्सेस करेंगे एनएसएक्स टी सेटअप इन होम लैब ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड विद द सिस्को स्विच सिस्को स्विच पोर्ट्स आर प्रोवाइडिंग वन जीपी स्पीड एनएसएक्स टी कॉम्पोनेट एंड वी स्पेर विल बी डिप्लॉय एज ए नेस्टेड इन्वायरमेंट तो ये नेस्टेड रहेगा। तो हम साइट ए और साइट बी की बात करें तो साइट ए हम रखेंगे सर्वर के ऊपर और साइट बी जो रखेंगे ई एस सर्वर नंबर टू को मानेंगे और इसी पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे बट इन दोनों सर्वर्स पे जाने से पहले मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसके ऊपर हमें एक राउटर्स क्रिएट करने होंगे जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये राउटर हमें यहाँ पे बनाने होंगे और ये राउटर्स की जो कनेक्टिविटी होगी वो किस तरीके से होगी वो मैं आपको भी प्रेजेंटेशन में शो करूँगा आने वाली प्रेजेंटेशन में तो आर और आर की कम्युनिकेशन होगी इन राउटरों के साथ तो वो कैसे होंगे वो हम टेपनोलॉजी को समझते हैं फिर धीरे धीरे इसके अंदर प्रैक्टिकली गो थ्रू जाएंगे तो साइड वन का जो रहेगा वो ई एस एक्स आई सर्वर वन रहेगा साइड टू के लिए ई एस सर्वर नंबर टू रहेगा तो इस पीपीटी में देखते हैं कि एनएक्स टी थ्री डॉट वन के लिए साइट ए के लिए हमें क्या क्या करना होगा अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरा जो बेस सर्वर है वो ई एस एक्स आई सर्वर वन होगा जिसके आई पी वन सेवनटी टू सिक्सटीन वन डॉट का टू थर्टी फोर है और इसमें ये नेस्टेड इन्वायरमेंट का रहेगा जिसमें से मैनेजमेंट क्लस्टर और एक कंप्यूट क्लस्टर दो अलग अलग बनेंगे जिसमें से नंबर ऑफ दो होस्ट होंगे मैनेजमेंट क्लस्टर के और दो होस्ट होंगे हमारे कंप्यूट क्लस्टर के तो मैनेजमेंट जो क्लस्टर होगा उस पर हम एज नॉट कन्फ्यू

अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ हम एक एनएसएक्स टी मैनेजर डिप्लॉय करेंगे जिसको हम बोलेंगे लोकल एन एस एक्स मैनेजर या तो हम इसमें तीन नोट कन्फिगर कर सकते हैं या फिर एक नोट को भी यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल में ये हमारी होम लैब है तो इसके लिए मुझे तीन की जरूरत नहीं है तो मैं सिंगल ही इसमें इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊँगा ऐसे ही मेरे पास इसमें ग्लोबल मैनेजर बनेगा इसके अंदर भी आपको तीन नोट आ, ले सकते हैं बट मैं अपने प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में सिर्फ एक ही नोट रखूँगा और ये एज ए एक्टिव ग्लोबल मैनेजर माना जाएगा जो कि मेरे इस इन्वायरमेंट के लिए रहेगा सेम ऐसे ही मेरा दूसरी साइट होगी जिसको हम साइट बी के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे साइट बी को जब आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका आईपी होगा वन सेवेंटी तो अगर हम अपने इस ई एस सर्वर के बाद ई एस सर्वर 2 की बात करें 235 होगा 235 के ऊपर आपको सेम वैसे ही कन्फिग्रेशन मिलेंगी यहाँ पे आईपी स्कीम आपकी चेंज हो जाती है यहाँ पे एज नॉट थ्री और फोर है क्योंकि फर्स्ट साइड के ऊपर एज नॉट वन एंड टू है तो सेकंड साइड के ऊपर थ्री एंड फोर रखा है हम लोगों ने यहाँ पे सेम कंप्यूट और मैनेजमेंट क्लस्टर का जो हार्डवेयर कन्फिग्रेशन सेम वही रखेंगे जो साइट ए पे होगा सेम ऐसे ही एन मैनेजर भी यहाँ पर हमारा सिंगल रहेगा लोकल एन मैनेजर ग्लोबल भी हमारा एन मैनेजर भी क्या रहेगा एज ए सिंगल ही रहेगा और इस ये स्टैंड बाय ग्लोबल मैनेजर माना जाएगा तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आईपीड स्कीमिंग कैसे इसमें कॉन्फ़िगर करना है और क्या टेक्नोलॉजी रहेगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं